आप सब लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है तोहफा और आप देख रहे हो मुझे मेरे चैनल पर वूमेन पे तो फ्रेंड्स आज मैंने ये एक ईद लुक क्रिएट किया है फ्रेंड्स आई होप आप सब लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आगे चल के मेरे अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और फ्रेंड्स ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हेलो फ्रेंड्स और ये मैं यूज़ कर रही हूँ पहले टोनर ये है गुड वाइफ्स का कोकम्बर ग्लो टोनर और गर्मियों में फ्रेंड्स कोकम्बर बहुत यूज़ होता है खाने में भी यूज़ होता है लगाने में भी यूज़ होता है बहुत अच्छा होता है और इसको थोड़ा सा अपने फेस पे थोड़ा सेटल होने दे रही हूँ अपने फेस पे और लिप में मैं अपने लिप बाम लगा रही हूँ जो कि ओरिफ्लेम का है और ये है टी ट्री ऑयल है फ्रेंड्स ये गुड वाइफ्स का है और मैं पहले अपना आई मेकअप करने वाली हूँ इसीलिए थोड़ा सा अपने आई को थोड़ा सा सूदिंग करने के लिए थोड़ा सा फ्रेश फील करने के लिए मैं थोड़ा जेल लगा रही हूँ उसके बाद मैं आ, मेरे आईज पे प्राइमर लगा रही हूँ प्रा, प्राइमर में मैंने लिया है ये कलर बार का प्राइमर और अभी कंसीलर लगा रही हूँ ऑलवेज़ मेरा फेवरेट ये है स्विस ब्यूटी का कंसीलर और इसको अच्छी तरह से एक कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से उसको अच्छी तरह से सेटल डाउन कर रही हूँ अपने आइज़ पे और इसको थोड़ा सा सेट करने के लिए मैंने स्टेक वाकी का ट्रांसलूशन पाउडर लिया है जिसको कि थोड़ा सा अपने आई लीड को सेट कर रही हूँ और सबसे पहले मैंने आई में ये मेकअप रिवोल्यूशन का है ये रिलोडेड हिपनोटिक पैलेट से इसमें से मैंने एक ट्रांसलूशन सेट लिया है और उसको थोड़ा सा अपने आई पे चारों तरफ थोड़ा सा उसको आ, अच्छे तरह से अप्लाई कर रही हूँ उसके बाद फ्रेंड्स एक छोटा सा ब्रश लेके मैं ब्लैक कलर को थोड़ा थोड़ा करके अपने आउटर वी एरिया और इनर वी एरिया पे थोड़ा थोड़ा उसको लगा रही हूँ पहले उसको अप्लाई कर रही हूँ धीरे धीरे ताकि अच्छे से मैं कलर को थोड़ा सा बिल्डअप कर पाऊँ और आप देख सकते हो कि मैंने आउटर वी से इनर वी तक जोड़ते हुए मैंने बीच में कुछ अप्लाई नहीं किया है लीड पे बस मैंने क्रीज लाइन पे उसको अप्लाई करके एक ये एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरह से आप जब डार्क कलर यूज कर रहे हो अपने आईलिट पे फ्रेंड्स धीरे धीरे उसको कलर बिल्डअप कीजिए नहीं तो एकदम ख़राब हो जाता है एक साथ आप उसको बाद में हटा भी नहीं सकते पूरा आपको रिमूव करना पड़ता है अगर ख़राब हो गया तो तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा कलर लेके पहले अप्लाई कर रही हूँ फिर उसको ब्लेंडिंग ब्रश से है उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ और जितना आप ब्लेंड करोगे फ्रेंड्स आपके आई उतना ही अच्छा दिखेगा है दिखेगा और इवन दिखेगा चारों तरफ और उसके बाद मैंने ये पैलेट लिया है वेट एंड वाइल्ड का और ये स्टॉप प्लेइंग सेफ पैलेट है पैलेट का नाम है जिसमें से एक ग्रीन कलर मैंने लिया है और उसको एक ब्रश के हेल्प से अच्छी तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आईलिड पे और फ्रेंड्स धीरे धीरे आप अप्लाई करके फिर उसको ब्लेंड कीजिए और सेम मैंने दूसरे आइज पे भी अप्लाई कर लिया है और एक ब्रश के हेल्प से ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर लेके उसको दोनों को डिफ्यूज़ कर रही हूँ दोनों कलर को अच्छी तरह से डिफ्यूज़ कर रही हूँ ताकि इवन दिखे कोई हार्स लाइन ना रहे फ्रेंड्स आप जब ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हो कोई भी आईसइड हो क्रिएट करने के लिए फ्रेंड्स तो थोड़ा सा आपको आ, देख के आ, उसको अप्लाई करना होता है थोड़ा अच्छे से उसको ब्लेंड करना होता है और एक आ, प्लान आ, मैंने एक आ, आ, ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लिया है और सेम पैलेट से मैंने एक ब्राउन कलर का डिप ये रेडिस ब्राउन है उसको लेके थोड़ा सा अपने क्रीज लाइन को अच्छे से उसको ब्लेंड कर रही हूँ ब्लैक के साथ थोड़ा सा डिफ्यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स ताकि ब्लैक थोड़ा ज़्यादा हार्स ना दिखे थोड़ा सा उसको एक वाइब्रेंट सा लुक आए उसके बाद मैं अपने आईलेट पे ग्रीन कलर के ही आ, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ये ग्लिटर है फ्रेंड्स ये ग्रीन आप ओशन ग्रीन बोल सकते हो और आ, इसको लेके थोड़ा सा उसको पैक कर रही हूँ ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया है एकदम थोड़ा सा लेके उसको अच्छी तरह से मैंने अप्लाई किया है अपने पूरे आईलेट पर और कोई भी फेस्टिवल्स हो so फ्रेंड्स थोड़ा सा आप अगर ग्लिटर लगा लो अपने आईज पे तो बहुत अच्छा लगता है बहुत प्यारा लुक आता है और एक ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से मैंने फिर से उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया है अच्छे से और जितना भी फॉल आउट हुआ है उसको मैंने एक वेट वाइप से थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ क्योंकि डार्क कलर या फिर ग्लिटर आप कुछ यूज़ कर रहे हो तो बहुत आइज़ के नीचे फॉल आउट होने के चांसेस रहते हैं इसीलिए मैं पहले आई मेकअप करती हूँ फिर उसके बाद ही फेस मेकअप करती हूँ और मुझे फिर से थोड़ा सा अपने स्किन पे थोड़ा सा और मॉइस्चराइज जरूरत था थोड़ा सा टोनर जरूरत था इसीलिए मैंने फिर से टोनर अप्लाई कर लिया है और अभी मैं ये आलमंड ऑयल है फ्रेंड्स फेशियल ऑयल है और इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर रही हूँ इससे और अगेन मैंने गुड वाइफ का ये टीट्री जेल लिया है थोड़ा सा फ्रेश फील करने के लिए उसके बाद मैंने प्राइमर लिया है ये कलर वाला का परफेक्ट मैच प्राइमर है जिसको कि, कि मैं अच्छी तरह से अप्लाई कर दूँगी अपने फेस पे और एक दो मिनट के लिए छोड़ना जरूरी होता है प्राइमर लगाने के बाद फ्रेंड्स और ये फाउंडेशन में मैंने लिया है ये लैकमे का इनविजिबल फिनेस फाउंडेशन है और ये सेड है मेरा जीरो वन और इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छे से उसको ब्लेंड कर रही हूँ आप जब अच्छी तरह से आपका फ़ेस मॉइस्चराइज होकर रहता है फ्रेंड्स आप कुछ भी अप्लाई कर रहे हो जैसे कि मैट फाउंडेशन हो गया जो भी है थोड़ा सा अच्छे से वो ब्लेंड हो जाता है फ्रेंड्स और आपका फ़ेस ज़्यादा केक ही नहीं दिखता और क्रैक भी नहीं आते अगर अच्छे से आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो तो और उसके बाद स्विस्व्यूटी का ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और मेरा आ, सेड नंबर है जीरो सिक्स क्लियर मोयन और ये बहुत अच्छा कवरेज देता है बहुत अच्छे से हाइट कर देता है इवन टोन कर देता है आपका स्किन टोन को क्योंकि कंसीलर अगर अच्छा होना फ्रेंड्स तो आपका मेकअप बेस जो होता है वो बहुत अच्छा फ्लॉलेस दिखता है आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे मतलब जितने भी दाग धब्बे होते हैं ये हाइट कर दे रहा है और मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से सेट से कर रही हूँ एक कॉम्पैक्ट के हेल्प से जो कि ये मेवलिन का फिटमी कॉम्पैक्ट है और बोरी वन ट्वेंटी ये मेरा सेड नंबर है और मैंने लिया है ये आ, आ, कंटोर के लिए मैंने एन वाई का कंटोर स्टिक लिया है और ये नंबर फोटीन है आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है बहुत क्रीमी रहता है इसका टेक्सचर और आ, मैंने आ, ब्रोंजर के लिए लिया है ये सुगर का ब्रोंजर है फ्रेंड्स और ये सेड नेम है आ, ये जीरो टू उडी वंडर ये भी बहुत अच्छा ब्रोंजर है फ्रेंड्स कोई हार्स लाइन नहीं दिखता इसको आप डे टाइम में भी कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हो और ब्रोज के लिए एज़ यूजुअल मेरा फेवरेट ये वेट इन वाइल का किट है आइश ब्राउन पहले एक स्पूली की हेल्प से मैंने अपने ब्रोज़ को थोड़ा सा कोम कर लिया है ताकि एक थोड़ा सा एक सेट हो जाए थोड़ा सा एक लाइन अच्छा सा क्रिएट करने में हेल्प करता है अगर आप ज़्यादा पहले आप कोम करते हो तो और कोई हार्स लाइन क्योंकि मैंने अपने आईब्रोज नहीं बनाए हैं तो इसीलिए मैंने एक छोटे से ब्रश के हेल्प से थोड़ा सा कंसीलर लेके चारों तरफ क्लीन कर रही हूँ अगर कहीं पे हार्स लाइन दिख रहा है कहीं पे आईब्रोज़ का ये क्योंकि ये फाउडर आइज सॉरी आई आईब्रोज है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से आ, क्लीन कर दे रही हूँ और कंसीलर ब्रश के हेल्प से थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लेके ना उसको थोड़ा सा सेट कर दिया मैंने और अभी मैं अपने आई को थोड़ा सा कर्ल कर रही हूँ फ्रेंड्स कलर के हेल्प से इससे आपका जो मस्कारा होता है बहुत अच्छे से अप्लाई होता है आपके लेसेस बहुत अच्छे दिखते हैं और अभी मैंने ये नायका का ये लाइनर लिया है ग्रीन कलर का थोड़ा सा एक आई में एक सेफ देने के लिए मैंने कोई आज विंग्स नहीं बनाए हैं बस थोड़ा सा सेव देने के लिए मैंने अप्लाई किया है ये ग्रीन कलर का ही काजल है फ्रेंड्स और लोअर वाटर लाइन पर मैं अपनी uh, एक ब्रश से वही सेम ग्रीन कलर जो मैंने अपने आईलिट पे अप्लाई किया था बस उसी को थोड़ा सा अपने अच्छे uh, से मैं ब्लेंड कर रही हूँ और एक ब्रश के हेल्प से जो मैंने ग्लिटर यूज़ किया है उसको भी अच्छी तरह से वहीं पे लगा के थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ उसको और अपने टी डट एरिया पे मैंने uh, सेम पैलेट से मैंने एक uh, गोल्डन कलर लिया है ये येलो इज गोल्डन है उसको अपने टीयडर टीरिया पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है और काजल में मैंने लिया है ये सुगर का काजल है फ्रेंड्स इंटेंस काजल है जीरो वन ब्लैकआउट इसका से नंबर है और फ्रेंड्स मस्कारा में मैंने लिया है ये मेबलिन का फॉल्स इज लेस लिफ्ट हाइड्रोफग ये बहुत अच्छा मस्कारा है फ्रेंड्स ये लॉन्ग लास्टिंग है वाटर है और ब्लश में मैंने लिया है ये है मेवलिन का कलर शो ब्लश और फ्रेश कोरल इसका जो सेड नंबर है और हाइलाइटर में एज यूजल मेरा जो फेवरेट है ये है वट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर है ये ब्लूसम ग्लो ये भी बहुत अच्छा हाइलाइटर है फ्रेंड्स मुझे यही पसंद है इसीलिए मैं आ, मेरे ज़्यादा वीडियोस में मैं इसी को यूज़ करती हूँ जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करना है मेरे फ़ेस के हाई पॉइंट्स में मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से उसको ब्लेंड कर रही हूँ और मैं हमेशा फ़्रेंड्स अपने लिपस्टिक से पहले थोड़ा सा लिप को अच्छे से प्रेप करना पसंद करती हूँ और लिपस्टिक में मैंने लिया है ये है शैम्बर का लिक्विड लिपस्टिक है ये इसका सेट नंबर है फोर थर्टी वन और ये थोड़ा सा मुझे आ, डार्क लग रहा था तो मैंने उसको थोड़ा सा अपने टिशू में आ, थोड़ा सा लाइट कर लिया है और सेटिंग स्प्रे में मैंने लिया है ये है फोटो फोकस आ, फिनी नेचुरल ये वट एंड वाइल का है और मैंने आज एक बन बना लिया था अपने फ़ाइनल लुक के लिए लेकिन मुझे बाद में अच्छा नहीं लगा इसीलिए मैंने अपने हेयर को खुला छोड़ दिया है तो लिपस्टिक भी मुझे थोड़ा सा अच्छा लग अच्छा नहीं लगा तो इसीलिए मैंने पिंक कलर का लिपस्टिक चेंज कर लिया है तो ये था मेरा फाइनल लुक आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आगे चल के मेरी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप सबको ईद मुबारक फ्रेंड्स और ये था मेरा ईद लुक अगर आपको मेरा ये आ, लुक अच्छा लगा अगर ये मेरा मेकअप वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे टिल देन बाय बाय